आप उसको ठीक कर लेना, क्योंकि अभी ये घोटालों की सरकार नहीं है। तो घोटालों की सरकार थी, पुरानी सरकार थी, हम तो घोटाले करते ही पकड़े जाते हैं, वो सीधा एसीबी में जाते हैं, नहीं तो सीधा सीबीआई में जाते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना मैडम, अपने सारे सेंटर्स को एक बार चेक कर लो, ठीक कर लो, इतना ही कहना। अब आप जरा समझ जाओ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और ऐसे कुछ लोगों को ऐसे बेवजह तंग करने की भी वो आपकी शिकायतें हैं, तो आप ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करें, आप अपना सरकारी काम करें बढ़िया तरीके से, आगे ना समझ में, इतना ही बहुत। एक ये वीडियो साहब, एक वो ग्राम सेवक था जो बैरडो के पास वाला, उसको एपीओ क्या सस्पेंड किया, एपीओ किया हुआ, वो अभी कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ, सरपंच समिति में हेडक्वार्टर किया हुआ, उसका हेडक्वार्टर संतोड़ा करो, क्यों वहाँ वो रहेगा तो साना जाना ठीक रहेगा, उसका संतोड़ा कर देना। अब इसको पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसके कार्यकाल के जितने भी, एक तो महादेव नगर था और एक बना का बाद और हाँ नहीं नहीं उसके पास तीन चार थे, ये चुनाराम के पास, उनके कार्यकाल के जितने भी काम हैं उनकी जांच बेटा, और उसमें आपके एन लेन, आपके एन लेवल के या जेएन लेवल के अधिकारी को डाल के, और उनके कार्यकाल के जितने भी काम किए, क्योंकि उनके घोटालों की बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। ऐसा पीएम आवास का मकान ऐसे बालरवा से उठा के पिंजवाड़िया में बना दिया, और पिंजवाड़िया वाला मकान उठा के ऐसे बड़ा कोटेचम बना दिया, इधर के उधर पैसे का बड़ा उसने घोटाला किया हुआ। तो उसकी जांच आप ऐसा है, उसके कार्यकाल की जितनी भी जांच है उसकी जांच करो एकदम बढ़िया तरीके से। और मैं समझ रहा हूँ इस ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय जी यहाँ है, नहीं है, नहीं है सर, आपका ग्राम सेवक ठीक ही काम कर रहा होगा, तो शिकायत है, इधर है ग्राम सेवक, तो कहाँ है ग्राम सेवक, आप क्या नाम है, आप अपने ग्राम पंचायत में ठीक ठाक काम कर रहे हो, कोई शिकायत तो नहीं है, हाँ भाई कोई शिकायत है, तहसीलदार महोदय ने लिखा हुआ है, और पिछली 4-1 को मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन और दी थी, लेकिन ग्राम सेवक जी ने आके इनको मौका मुआयना करने का बोला, वीडियो साहब ने, इन्होंने अभी तक मौका मुआयना तक नहीं बोला। अभी अभी आप है ना, इनकी कोई ग्राम सेवक की शिकायत हो तो आप एक काम करना, व्यक्तिगत रूप से मुझे लिख के दे देना, जो भी ग्राम सेवक की, क्योंकि यहाँ पर मूल रूप से इस ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी मोदी जी की योजनाओं का लाभ जो मिलने वाला है उसे ग्राम सेवक और पटवारी अहम कड़ी होता है, और मैं ग्राम सेवक को और पटवारी, पटवारी कौन है, आप है, आप इस बहन शिकायत को नहीं, ये थे तो ठीक काम करो, खाकर और फूट रो काम कर दो, मिनको और हाल दो, और वो मत यहाँ दे हैं, तू लैंड यूं लगा नहीं, यूं तो नहीं खोंचो कटे हैं, ठीक कर दो, शिकायत आई तो अभी जो ग्राम सेवक को यही कहना है कि जो बोल जी मेरे एमएलए लैंड से कोई खुदी हुई है या पहले की कोई टूबेल है, ऐसा भौतिक रूप से सत्यापित कर लेना, वहाँ काम तो जो रामलाल कर रहा है पेमेंट श्यामलाल को जा रहा है, आपकी ग्राम पंचायत की शिकायत भी हो, अभी विधानसभा का क्वेश्चन लगाया हुआ आपके पास में आ जाएगी, वीडियो साहब को देना पड़ेगा वो, या दूसरा सारा जवाब देना पड़ेगा, इसलिए जिस किसी का पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट दे देना, और आपके खिलाफ में कोई भी शिकायत हो तो शिकायत का तुरंत निस्तारण कर देना, आप इसे मेरे को दे देना, आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से दे देना, सारे दे देना, मैं समझ गया,
अभी मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा मेरे को व्यक्तिगत रूप से दे देना आप। हाँ, आपसे मेरा निवेदन है क्या ऐसा, दो मिनट शांति कर। आपसे मेरा निवेदन है कि कोई किसी भी प्रकार का ऐसा बिना भय के और बिना डर के आप अपना यहाँ काम करवाइए। और सब अधिकारियों से मेरा यही निवेदन है कि बालरवा की जो आम जनता है, भाई कुछ पढ़ी लिखी है, कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है, कुछ कम पढ़ी लिखी है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, तो उनको ठीक ढंग से कागज लेके और उनको योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना। और मैं सभी सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को इस बात के लिए आदेश भी कर रहा हूँ और उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप अपने ठीक ढंग से जो बालरवा की आम जनता है उनको ये समझाए कि उनको आधार कार्ड देना है, कि उनको राशन कार्ड देना है, कि उनको क्या क्या चीज देनी है, वो चाहे उज्ज्वला योजना में जुड़ना हो, चाहे पीएम आवास में जुड़ना हो, चाहे आपके किसान सम्मान निधि में जुड़ना हो, वो जो जितने भी प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें कैसे कैसे लाभ लिया जा सकता है आम आदमी को ठीक ढंग से बताए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जनता को भी नहीं पता, उन योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताए। और मेरा एक चीज का आप सबसे यही निवेदन है कि जब देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता में भेदभाव नहीं कर रहे तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, आइए हमारे बीच में प्रधान जी भी तिवरी के आगे, आज आप लेट आए प्रधान जी, आपको और हमारे को कोई आम आदमी के विकास में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो चाहे उसने हमें वोट दिया है चाहे हमने हमारे को वोट नहीं दिया है। आम आदमी को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का सबको फायदा मिल